हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट को हटाने में, हमारी स्किन को पिगमेंटेशन को हटाने में फायदेमंद करेगी। देखो गाइस क्या होता है, हम कई ढेरों सारी क्रीमें यूज करने के बाद कई ऐसी क्रीम ढूंढते हैं जिससे हमारे स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए। तो गाइस आज की वीडियो वैसी ही क्रीम लेकर जो पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट को हटाने में फायदेमंद करेगी। देखो इससे पिगमेंटेशन होता क्या है, हम कई ढेरों सारी केमिकल क्रीमों का यूज करने के बाद उसको छोड़ने के बाद वो हमारी स्किन पर छाया पड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन बन जाता है। डार्क स्पॉट का ऐसे पिंपल्स होते हैं जिससे हम खुद को फोड़ देते हैं, जिससे उसके निशान पड़ जाता है, उसके स्पॉट पड़ जाता है, उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है कई ढेरों सारे क्रीमों के बाद। लेकिन गाइस जो इसके अंदर एक ही इंग्रेडिएंट यूज किया गया जो हमारी स्किन के स्पॉट को हटाने में काफी हद तक फायदेमंद करेगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने पहले से भी वीडियो बना रही, कई अच्छे अच्छे कमेंट्स भी इस वीडियो पर मेरे आए थे गाइस। ठीक है, दो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्लाइकोलिक इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किया उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया। ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो एक अच्छा खासा इंग्रेडिएंट होता है जो कई ढेरों सारी क्रीमों में कॉस्मेटिक क्रीमों में यूज किया जाता है, जो स्पॉट को हटाने में फायदेमंद करता है, जो हमारी स्किन का मेलेनीकरण को सुधारने में फायदेमंद और उसको नियंत्रण बनाता है, जिससे हमारी स्किन अच्छे तरह से मेंटेन हो जाएगी, तो अच्छे तरह से जो स्पॉट और पिगमेंटेशन वो हटने में काफी हद तक फायदेमंद होते हैं। जो गाइस ये क्रीम होती है हमारी स्किन के मेलेनीकरण को अगर सही तरह से सुरक्षित रखती है ना, तो गाइस उससे हमारी स्किन पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है उसको अच्छे तरह से सुधारने में काफी हद तक फायदेमंद करती है। ठीक है गाइस, जो ग्लाइकोलिक एसिड इसके बारे में जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने बता दिया। दो गाइस एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका यूज करने का सही तरीका आपको अगर मैं बताऊँ ना, इसका यूज करने का एक सटीक तरीका यही है कि इसको नाइट में सोते समय यूज करना है। दो गाइस एक बात मैं क्लियर करता हूँ, कई क्रीम आपने दिन में यूज करते हैं लेकिन गाइस इसको नाइट में सोते समय यूज करना आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा गाइस। ठीक है, अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करना सुबह उठने के बाद, जिससे आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो गाइस मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैं मेरी पब्लिक में मेरे जो ऑडियंस उसको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं हर एक बात क्लियर करता हूँ जिससे आपकी स्किन पर अच्छे तरह से जो क्रीम है वो अच्छे तरह से वर्क कर सके और अच्छे तरह से मेंटेन बनी रख सके, आपकी स्किन को अच्छे तरह से सुरक्षित बना सके। जो गाइस ये क्रीम आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट दिखा सकती है, अगर पहले से आपने कई ढेर सारे केमिकल क्रीमों का यूज करा है तो आपकी स्किन पहले से कोई साइड इफेक्ट हो चुका, तो प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह लेके इस क्रीम का यूज करना, तो आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा, क्योंकि इसको आपकी स्किन देखकर बता देगा आपकी स्किन किस टाइप की ऑयली है या फिर सेंसिटिव है, फिर स्किन पर किसी प्रकार कोई रेडनेस आ चुकी है, अगर वो देखकर आपकी स्किन पर बताएगा कोई अच्छा सा स्किन डॉक्टर, तो आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। आप इसका यूज करने का सही तरीका तो आपको समझा देंगे, जिससे आपके अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे तरह से इसको यूज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब।